उन्होंने एक लड़की ली थी गोद, तो कम से कम ऐसे थी 17-18 साल की लड़की थी वो, और इन्होंने पता नहीं क्या मतलब उससे जो कहते थे जिंदा कर देंगे, कमरे में बंद रखते थे उसे, तो वो एक्सपायर हो गई थी, पता नहीं क्या नशे वशे में रखते थे उसे, क्या पता नहीं ये करते थे, आप ही निराकार आप ही साकार के ये लगाते थे, तो संदेश लगाते थे, वो लड़की ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मल्ले के चौतरा ले गए थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने यही किया था, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आया, तो उसके बाद में यही हुआ था कि वहाँ पे पुलिस आई थी, तो वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, इन्होंने पता नहीं क्या पुलिस वालों पे भी लाठी का चार्ज किया था, पुलिस वालों पे जब काबू नहीं हुआ तो उन्होंने और प्रशासन बुलाया था, फिर उन्होंने लाठी चार्ज किया इनके ऊपर। जैसा कि आपने बताया पुलिस प्रशासन आया था, इन्होंने अपनी खुद की भी पुलिस बना रखी है। हाँ, इन्होंने खुद की भी पुलिस बना रखी है, वाइट ड्रेस पहन के आती है और उनपे वो लगे होते हैं डंडे वंडे सब, और महिला भी है इसमें कुछ पुलिस बन के आती है जो वो पिंक कलर की ड्रेस पहन। क्या मानना है, यहाँ आस्था है या एक अंधविश्वास? कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, आस्था कहाँ है। हाँ, कोई मंदिर है यहाँ पे, क्या है, मकान है, खाली मकान है, उसमें ताला लगा रहता है, ऐसे तो कोई भी आता चला जाता है। उससे क्षेत्रीय लोगों में कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत तो काफी लोगों को होता है सर, ये बताओ सुबह से शाम तक आता है, किसी के घर में चोरी हो जाए तो किसी को क्या पता पड़ेगा, क्योंकि रात को निकलने वाले जा रहे हैं, आप किसको पकड़ोगे? ये जो मकान है ये किनका था और कब से बंद है? ये करीबन मेरे ख्याल से 25-24 साल से बंद है, और करीबन मैं इनका आयो 30 साल से पड़ोसी हूँ। 30 साल पहले मैं खूब इनको जानता था, आम आदमी तरह रहते थे, ये पुलिस में थे किसी विभाग में, उसके बाद ये खुद रिजाइन दिया है। क्या नाम था जब ये? मेरे ख्याल से सूरजपाल नाम था शायद। सूरजपाल, हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद कोई नारायण करके हुए, ये क्या नारायण नाम? सत्यनारायण। उसके बाद साकार भी सरी इस नाम से मशहूर होने लगे। साल से बंद है और क्या वक्त लोग आते हैं? हाँ, यहाँ करीबन पौने 3-4.30 बजे से भीड़ शुरू हो जाती है, झाड़ू पोंछा लगता है यहाँ पर, झाड़ू पोंछा लगने के बाद में और जो दर्शन शुरू हो जाते हैं कुटिया पे, हाँ मत्था टेकते हैं लोग आने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत अच्छी मान्यता है इनकी, बहुत लोग आते हैं, आस्था बहुत लोग करते हैं यहाँ पर आने के लिए। कोई इनका विशेष दिन कभी आना हुआ है? नहीं, ये करीबन 24-25 साल से आए नहीं है यहाँ पर, ये कुटिया बनी है, ये भी अभी पहले जो ADA अप्रूव्ड है, जो ADA के जो क्वार्टर बने थे उसी तरीके से बना था, ये 1.5 साल पहले ये इन्होंने तोड़वा के और नया जो है बनवाया इसको। बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जो आप? विशेष जानकारी ये है कि ये करीबन 1997-98 में एक आम आदमी थे, ड्यूटी पे थे, ड्यूटी करते थे, नेचर बहुत अच्छा है, मेरी कई बार इनसे बातचीत भी हुई है, बहुत बढ़िया नेचर के आदमी है, अड़ोस पड़ोस में बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसी साल दो जब ये रिजाइन दे के आए उसी दरमियान इनसे लोग जुड़ने लग गए। हमें क्या हुआ जो इनसे लोग जुड़ने लगे एकदम अपने ईश्वर के रूप में? नहीं, हमने तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं देखा, सिर्फ भीड़ देखी थी हल्की फुल्की, तो हम ये सोचे हमने ये सरकारी उसमें महकमे में हो सकता है उस कारण लोग आते होंगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई, करीबन 100-200 आदमी आने लग गए। जब हमें मालूम पड़ी तो यहाँ पर जो शाम को 7 बजे आरती भी होती थी, बहुत भीड़ हो जाती थी, लाइन लग जाती थी पूरी कॉलोनी में, तो ये करीबन मेरे ख्याल से उसके बाद में 1999 में या 2000 में इनके पास में एक बच्ची थी गोद ली हुई, वो किसी बीमारी के कारण ख़त्म हो गई, तो उसकी लाश करीबन 2 दिन यहाँ रखी रही, तो जो इनके भक्त लोग हैं उन्होंने यहाँ नारेबाजी करी कि बाबा जी जो है आप इनको जिंदा करिए, खूब नारेबाजी हुई यहाँ पर। हाँ, 2 दिन बाद बाबा जी ने कही कि ले जाओ आप इनको, दाग लगाइए मलके चौतरे पे, तो जब मलके चौतरे पे लेके गए तो वहाँ और भी वो थी, तो उन्होंने सबने रोक दिया कि बाबा अगर जिंदा करेंगे तो हम अपनी भी जिंदा करवाएंगे, तो वहाँ लग गई भीड़, काफ़ी भीड़ हो गई वहाँ पर, मैं भी गया था स्वयं, मेरे साथ में और भी लोग थे, जब हम गए तो इतनी भीड़ हो गई, हजारों की भीड़ हो गई, तो जब वहाँ पर जो पुलिस को स्थानीय जो थाना है सागंज थाना उसको पता लगी, पुलिस आई वहाँ पर, पुलिस ने आके पूरा वाकया देखा, देख के नहीं पुलिस ने जो है वहाँ से भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया, पुलिस को जो लाश को ले गई उठा के पोस्टमार्टम के लिए, बाबा जी को जो गिरफ्तार करके थाने ले गए, और जो माता जी थी माता जी को पुलिस यहाँ पर आई, अब ये नहीं मालूम माता जी को ले गए या नहीं ले गए, माता जी को पुलिस लेडीज़ पुलिस आई थी लेने के लिए, जो वो जब से जो बाबा जी यहाँ आए नहीं है। तो इस मामले में कोई मुकदमा भी पंजीकृत हुआ? मेरे ख्याल से हुआ है शायद, कुछ ना कुछ हुआ बाबा जी के खिलाफ। क्या जेल गए थे? जेल तो नहीं गए थे शायद, थाने से जमानत हो गई थी उनकी। जैसा कि बताते हैं कि इनका नाम सूरजपाल है और ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में कार्यरत थे। वहाँ से अब लोगों की 100 मुंह 100 बातें, कोई कहता है रिज़ाइन दे दिया,
कोई कहता है रिज़ाइन ले लिया गया, कोई कहता है हटा दिया गया, कोई कहता है हट गए। अब पूरी जानकारी तो वही बता सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सूरज पाल नाम के बाद फिर ये इन्होंने रिज़ाइन देने के बाद अपने छोटे मोटे सत्संग करना शुरू कर दिए, महिलाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। अब महिलाएं जो हैं इन चक्करों में जल्दी फंस जाती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर आस्था ज़्यादा होती है, इसलिए महिलाओं से शुरुआत की इन्होंने। फिर सत्यनारायण से साकार विश्वरी हो गए। अब साकार विश्वरी हुए, नाम बड़ा हुआ तो बहुमत भी बड़ा हो गया। अब बहुमत बड़ा होता गया, हर ट्यूजडे को ये अपने सत्संग कराते गए। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब इनके सत्संग होते हैं और प्रत्येक ट्यूजडे को उनका सत्संग होता है। सारे क्षेत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग जिला में इनके व्यवस्थाकर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसा कि मानना है सबसे पहले उनका निवास यहीं था, यहीं से शुरुआत की। लोगों की क्या आस्था है इस मकान पर? देखिए आस्था मैंने तो जैसा कि अभी इन बाइट दी जो लोगों ने, इन्होंने भी बताया कि आम इंसान थे। अब मेरा संपर्क तो था नहीं, मेरे पापा का संपर्क था, वो बताते हैं कि इनकी आपस में यारी दोस्ती थी, उठना बैठना था और साथ में बीड़ी पिया करते थे और एक आम ही इंसान थे। कोई ऐसा था नहीं कुछ भी किसी चमत्कार हुआ कभी, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। एक बार जैसा कि बताया भी इन्होंने कि एक लड़की मृत हो गई थी, उसको उनके भक्तों ने बोला भी था कि बाबा जिंदा करेंगे। दो दिन तक जो है डेड बॉडी रखी रही, तो ऐसा कोई चमत्कार हुआ नहीं। फिर यहाँ से शमशान ले गए, वहाँ भी यही बात हुई, बाबा जिंदा करेंगे। तो वहाँ भी कुछ ऐसा, मतलब जो जिसके एक बार प्राण निकल गए उसको जिंदा करना असंभव है, उसको तो भगवान ही जिंदा कर सकते हैं, या कोई दूसरी शक्ति दुनिया में नहीं है जो जिस व्यक्ति के प्राण लौटा दे। ये इतनी बड़ी घटना हाथरस में जो भी है, इसका जिम्मेदार स्वयं भोले बाबा है। वहाँ किसी प्रकार की, आप देख रहे हैं जब इतना उमस हो रही है इतनी, या तो आप व्यवस्था पूरी करो। जितने भी उनके व्यवस्थाकर्मी थे, वहाँ बताया जा रहा है कि 20,000 लोगों की परमिशन थी और वहाँ भीड़ लाखों में थी। और जिस प्रकार बता रहे हैं कि वहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई पंखे कूलर नहीं थे, और एग्जिट और एंटर गेट दोनों अलग अलग लोगों को होना चाहिए। जबकि वहाँ देख रहे हैं, वीडियो में देखा मैंने भी कि जो एंट्री और एग्जिट 10-15 फुट के गेट थे। वो इस पूरे प्रकरण में किसकी लापरवाही? अब देखिए इस पूरे प्रकरण में लापरवाही जो व्यवस्था कर्मियों की है, क्योंकि हमारे भोले बाबा तो मंच पर बैठे हुए थे, एसी पंखे चल रहे थे, पंखा चलाने वाली चल रही थी, पानी देने वाले लग रहे थे। वहाँ पूरे आप भी वाइट लेके आए होंगे, वहाँ आपको कुछ ऐसी व्यवस्था दिखी या ठंडे पानी के कैंपर रखे हों, वाटर कूलर लगे हों, या पंखे चल रहे हों, कूलर चल रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था। क्या जैसा कि दूर दराज से लोग आते हैं, क्या क्षेत्रीय लोगों की भी आस्था है? कोई क्षेत्रीय लोगों की आस्था नहीं है, क्षेत्रीय लोग परेशान है। ये हमारे आदि जी का मकान है, ये इतने परेशान है कि बेचारे मोमडन आदमी बोल नहीं पाते हैं, इतने परेशान है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और अन्य जो घर मकान है किसी की आस्था अलग? किसी की कोई आस्था नहीं है, बल्कि मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ सुबह 3:30 बजे से भक्त आना शुरू हो जाते हैं और 2:30 से 3 बजे के बीच में चोरियाँ होती हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी ये चोर है कि ये भोले बाबा का भक्त है? पकड़ भी लोगे तो आप कह देंगे हम तो भैया दर्शन करने आए हैं। गाड़ियाँ लगा जाते हैं दरवाजों पे। अभी तो आप यहाँ से अगर 5-7 साल पहले पीछे जाओगे तो ये पूरा बाजार बना हुआ था। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ब्रश बेच रहा है, कोई सिंदूर बेच रहा है, कोई चड्डी बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है, पूरा मतलब इतना, मतलब विरोध करने के बाद जब इस बाजार को रामनगर पुलिया पहुँचाया गया, जब रामनगर पुलिया ये बाजार पहुँच गया तो वहाँ BIP प्रोटोकॉल में दिक्कत होने लगी। फिर वहाँ से उठा के उस बाजार को भेज दिया भतपुरी। जो मेला लगता था वो इनके दरबार के मारे ही, इनके दरबार के माध्यम से ही लगता था। क्षेत्रीय लोगों को परेशानी, क्षेत्रीय लोग मानना है क्षेत्रीय लोगों का बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आप किसी संस्था को चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य नहीं क्षेत्रीय लोगों की आस्था बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है।